टूरिस्ट लोग हैं उनको अपने कल्चर के बारे में बताना जी। जैसे कि हमारी वेशभूषा है, देखो जो नीतिका ने पहना है, हमारी स्वयं सहायता समूह की महिला। सगाई ये है लास्ट पॉइंट जहाँ तक सिविलियंस अलाउड हैं। इसके आगे 40-50 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। इधर शुरू हो गया है स्नोफॉल, ये स्नोफॉल हो रहा है शॉप। भाई सुबह सुबह की चाय के साथ अगर ये नज़ारे हो ना तो दिन तो फिर अपने आप बनता है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। कल्पा हिमाचल प्रदेश। यार कलम ताबो से चल के शाम होते होते कल्पा पहुंचे थे और हमारा आज का प्लान है, अभी तो हम वापस जा रहे हैं और एक लास्ट स्टेप बचा है। अभी हमें जाना है चितकुल, सांगला और चितकुल। तो यार यहाँ पे अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मौसम हो रखा है थोड़ा ख़राब। कल्पा में तो फिलहाल धूप निकली हुई है लेकिन जल्दी ही ख़राब होने वाला, क्योंकि बादलों के झुंड इधर से उधर भटक रहे हैं और वो बहुत जल्दी एकजुट होकर कहीं भी बरस सकते हैं। तो यार अभी प्लान अपना यही है कि अभी हम यहाँ से जाएंगे चितकुल और चितकुल देख के और वहाँ से सीधा वापस नीचे की तरफ चल देंगे, वापसी का सफ़र शुरू। तो यहाँ से अभी निकल रहे हैं चितकुल के लिए, तो चितकुल जाएंगे, सांगला देख जाएंगे। मतलब रास्ते में पहले सांगला आएगा फिर चितकुल आएगा और उसे देख के फिर हम आगे देखते हैं कहाँ तक नीचे जा पाते हैं, क्योंकि अब तो वापसी का ही सफ़र बच रहा है यार। और भाई कल्पा से जो आपको नज़ारे दिखते हैं ना सामने, किन्नर कैलाश का जो व्यू दिखता है, अमेजिंग सुपर, आपको वर्ड नहीं मिलेंगे यार। ये सिर्फ आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, देख के सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप शब्दों में नहीं बता सकते कितना सुंदर लगता है। और अभी तो कल ताज़ा ताज़ा यहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ ऊपर ऊपर के एरिया में, तो और ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो बस यही है यार, अभी लगेज वगैरह सब बाइक पे लोड करते हैं और चलते हैं, और ऐसे नज़ारे तो इन चाय के साथ ही इंजॉय किया जा सकता है। चलिए चलते हैं आगे। गाइज अपन पहुंच गए हैं सांगला वाले रास्ते पे, सांगला चितकुल वाले रास्ते पे। यहाँ से सांगला है करीब 16 किलोमीटर और चितकुल 26 किलोमीटर, क्योंकि चितकुल सांगला से लगभग 10 किलोमीटर और आ गया। मौसम का यार नहीं पता लेकिन अभी तो बादल छाए हुए हैं, ऊपर भी बादल ही बादल दिख रहे हैं, अब तो हर जगह पे बादल ही है यार, धूप भी नहीं है आज तो। वैसे ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, जरा भी नहीं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है हम इतनी ठंड वाले इलाके से आ रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या ठंड लगेगी। और यार ये चितकुल वाला रास्ता थोड़ा ख़राब है, मतलब थोड़ा ही ख़राब है, रोड टूटे फूटे हुए से हैं, आगे का पता नहीं, आगे शायद और ज़्यादा ख़राब हो। और दूसरी बात क्या, रोड बहुत पतला सा है, अभी तो फिर भी ठीक है यार, आगे बताते हैं कि काफ़ी पतला सा रोड है, एक गाड़ियाँ को आने जाने में भी दिक्कत होती है। आइडिया नहीं यार, पहली बार आ रहा हूँ तो जैसा भी होगा आपको दिखाऊंगा। चितकुल भारत का आखिरी गांव। यार ये आखिरी गांव कितने सारे हैं इंडिया में, माना चले जाओ भारत का आखिरी गांव, चितकुल जाओ भारत का आखिरी गांव, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसे भारत का पहला गांव बोलते हैं, कहाँ हो। अगर आपने मेरी कहो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए यार, मजा आएगा आपको। लिंक मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में कहीं डाल दूंगा। सांगला 11, कुप्पा 7, चितकुल लगभग 35। ओ भाई देखो देखो सामने से देखो एकदम, रोड तो यार अभी बढ़िया बना हुआ है, लोग बताते हैं बहुत खराब रोड है, क्या पता।
जोरदार भाई जोरदार, मजा आ गया। यार ऐसे सड़कों की फेल ना बाइक पे ही आती है, अब गाड़ी के अंदर बैठे बैठे आपको पता भी नहीं चलेगा कि नीचे कितनी गहराई है। ये यार पहाड़ों की फील लेनी हो तो बाइक पे आओ। सो गाइस हम पहुंच गए हैं सांगला, अब यहां से चितकुल रह गया है लगभग 20-22 किलोमीटर। यार सांगला तो अच्छा खासा मार्केट है यार, हाँ तो बड़ा सा मार्केट है। यहाँ पे एटीएम दिख रहा है मुझे सामने, पीछे पेट्रोल पंप भी था। एक बार रास्ता कंफर्म कर लेता हूँ। या चितकुल के लिए सीधे जाएंगे ना, चितकुल के लिए ओके थैंक यू। लो यहाँ तो यार जोस्टल भी है, जोस्टल सांगला, और इस जगह बहुत ज्यादा हाइट पे भी नहीं है यार, मस्त जगह है सांगला। सुहाना सफर हो और ये मौसम हंसी, भाई मौसम तो हंसी है, अभी तक तो हंसी लग रहा है, आगे का देखते हैं क्या होता है। सो भाई हम पहुंच गए चितकुल, काज मेरे सामने दिख रहा है चितकुल का छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा गांव है, बस इसकी खासियत यही है कि ये भारत चीन के सीमा पे आखिरी गांव है, इसके आगे कोई गांव नहीं है। तो अभी हम जाएंगे वहां तक जहां तक की सिविलियंस अलाउड है, और उसके बाद वापस आ जाएंगे, यहां पे कुछ चाय वाय पियेंगे। यार आखिरी गांव में चाय तो बनता है ना, और उसके बाद सीधा वापस चल देंगे नीचे की तरफ। यार प्लानिंग के हिसाब से अगर चलो तो आज शाम को पहुंचना है सराहन। भाई इतना बढ़िया ट्रिप अभी तक बीता है तो सराहन माँ काली का आशीर्वाद लेना तो बनता है यार। देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं, नहीं भी पहुंच पाए तो कल जाएंगे सराहन। यार पहुंच तो जाएंगे, अभी तो टाइम, अभी तो 1 बजा है, बहुत टाइम है अपने पास अभी। और यार सबसे अच्छी बात है कि मौसम ने बिल्कुल अच्छी तरह से साथ दिया, यहाँ तो धूप निकली हुई है भाई। ओ भाई क्या 360 में जा रहे हैं यार, चारों तरफ जबरदस्त यार, इनक्रेडिबल इंडिया, ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं यार, अतुल्य भारत। सो भाई आगे है आर्मी की चेक पोस्ट या आईटीबीपी का जिनका भी हो, तो कैमरा को यहीं पे मैं कर देता हूं बंद। सो गाइस ये है लास्ट पॉइंट जहां तक सिविलियन अलाउड हैं, इसके आगे 40-50 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। मैं आपको इस तरफ के व्यू दिखा नहीं सकता क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है। आप यहां से ये देख लो व्यू, इस तरफ का आपको दिखा सकता हूं, इस तरफ का व्यू बिल्कुल नहीं दिखा सकता भाई। यार अद्भुत जगह, और ऐसी जगहों पे आके जो फीलिंग्स आती है ना वो ज़्यादा शानदार होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं और सीधा चलेंगे यहाँ से आगे वापस। सो गाइस क्या व्यू है यार, क्या व्यू है, आज के बाद ये सब सारा सिर्फ फोटोज और वीडियोज में ही देख पाएंगे क्योंकि आज हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, मतलब शायद आज तक तो देख पाए, आज तो रुकेंगे सराहन तो हो सकता है कि आज तक ऐसा कुछ दिख जाए, लेकिन कल से तो भाई बिल्कुल सपना ही होगा हमारे लिए।
दिखाता हूँ आपको एक बार। भाई भाई यार, ऐसे नज़ारों से वाला किसका दिल भर सकता है। और ये सारी सारी स्नो पड़ी है ना, वो ताजी है, कल हुई है स्नोफॉल। ऐसे तो इधर भी हुई थी लेकिन इधर सारी मेल्ट हो गई, थोड़ी सी पड़ी थी इधर, थोड़ी ज़्यादा पड़ी, तो अभी तक काफ़ी सारी स्नो दिख रही है। और ये लास्ट कैफे है चितकुल का, इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा ही आगे ITBP का चेक पोस्ट है और ये कैफ़े चलाते हैं भैया। भैया आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। तो भाई ये लास्ट कैफे पे आके कॉफ़ी, चाय, मैगी, मोमोज खाना बिल्कुल मत भूलना आप। और गाइज हम चल दिए हैं चितकुल से अब सराहन की तरफ। अभी मतलब चितकुल में ही है, अभी जा रहे हैं यहाँ से वापस, चितकुल से वापस निकल चुके हैं। और आज का हमारा डेस्टिनेशन है सराहन, माँ भीमा काली के दरबार में। यार हम हैं अभी नदी के इस तरफ और ये इधर देखो आप, इधर शुरू हो गया है स्नोफॉल, ये स्नोफॉल हो रहा है सब। इधर अभी तक कुछ हो नहीं रहा लेकिन जल्दी ही मौसम ख़राब होने लगा इधर भी। अब यार फटाफट यहाँ से निकलना होगा। इधर आप देख सकते हो अगर पूरे धुंध सी छाई हुई है, उधर हो रहा है स्नोफॉल ऊपर ऊपर में। और ये भाई नीचे नदी, क्या यार अद्भुत जगह है। और यहाँ पे रुकना बहुत खतरनाक है, कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। भागो यहाँ से भाई फटाफट, चलो चलते हैं। भाई देखो कितनी खतरनाक सी रोड है ये, तो यार क्लिफ हैंगर वाले रोड के जैसा दिख रहा है। बाकी खिलाड़ किश्तवाड़ वाला जो क्लिफ हैंगर रोड था ना, अब तो उसे बंद कर दिया गया है। 2021 में मैं गया था वहाँ पे, यार क्या एक्सपीरियंस था वो, तब मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता था। यार उसी के जैसा कुछ कुछ दिख रहा है, हालांकि वो उससे इससे बहुत खतरनाक था वो, क्योंकि यहाँ पे तो रोड बनी हुई है, वहाँ पे रोड नहीं दिया, इतने बड़े बड़े पत्थर थे और ऐसा रोड, ऐसी सीधी खड़ी नीचे ढलान और इतने बड़े बड़े पत्थर, उस पर बाइक ऐसे उछलती थी। यहाँ पे फंस गए हैं छोटे से रोड ब्लॉक में, छोटा सा ही से, ज़्यादा बड़ा है नहीं। ऊपर कुछ काम चल रहा है, वहाँ पे जेसीबी लगा है और वहाँ से वो पत्थर गिरा रहे हैं नीचे। तो अभी थोड़े से पत्थर गिर गए हैं और अभी इसे साफ किया जाएगा और फिर हम आगे जाएंगे। अभी भी हमारा डेस्टिनेशन लगभग 50 किलोमीटर दूर है। ये देखो ओ बाबा, इधर तो बारिश हो रही है यार। अभी मुझे लगता है सराहन के पूरे रास्ते में मुझे बारिश मिलने वाली है। भाई बारिश अच्छी खासी होने से तेज हो रही है लगता है आगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बारिश तेज तेज और तेज होते जाएगी, रेनकोट पहनना पड़ेगा, गोप्रो भी निकालना पड़ेगा। ये है यहाँ पे गेटवे ऑफ किन्नौर और ये चौरा गांव, चौरा गांव किन्नौर का पहला गांव आता है। और यहाँ पे आपको एक स्टॉल दिख जाएगा जो यहाँ पे लोकल महिलाएं चला रही हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये स्टॉल लगाने का इनका विचार कैसे आया, आखिर इन लोगों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया क्या सोच के लगाया होगा। तो यहाँ पे चौरा गाँव की कुछ महिलाएँ हैं तो ये हमें बताएंगी आखिर एक्चुअल में है क्या।
नमस्कार, मेरा नाम किरण है और मैं 14 से हूँ। हमारे यहाँ पे स्टॉल लगाने का उद्देश्य ये था कि हम अपनी आजीविका को बढ़ावा देना और जैसे आप लोग टूरिस्ट लोग हैं उनको अपने कल्चर के बारे में बताना जी। जैसे कि हमारी वेशभूषा है, देखो जो नीतिका ने पहना है, हमारी स्वयं सहायता समूह की महिला, इसको हम धोडू बोलते हैं। अच्छा, जो डाला है, और इसको गच्ची मींस एक किडोरी ड्रेस है, ड्रेस है। अच्छा, जब हमारी शादी होती है दुल्हन को भी ये ड्रेस, पूरा ड्रेस पहनाया जाता है। और ये जो गहने लगे हैं यहाँ पे, ये तो आधा है। ओके, बहुत ही कम है, नाममात्र मतलब ब्राह्मण, काफी ज्यादा उनको पहनना पड़ता है। ये तो नाममात्र ब्राह्मण है, ये तो कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे इसको काफी सारी ज्वेलरी प्रमोट कर रखी है, जो गले में लगाते हैं, और ये शंगल शंगलियां बोलते हैं, गुड शंगलिंग, जो मतलब कि दोड़ में पूरा राउंड करके घुमा के पहनते हैं। और ये कान में लगाए जाते हैं, ये झुमके टाइप में, बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसका कॉस्ट कितना तक होगा? 50 से 60 हजार तक होगा। ये मींस गोल्ड के होते हैं, गोल्ड के है, और ये गोल्ड के ही है। और ये तरमोली बोलते हैं, किन्नौर का मंगल सूत्र हुआ, स्पेशली किन्नौर का मंगल सूत्र। देखो यहाँ पे लोकल फूड, ये क्या है? कुद्दा। कुद्दा किन्नौर का डोसा। अच्छा, किन्नौरी डोसा, हमारा लोकल है ये, हम ही बेचते हैं। और ये जैसे ना किसी को शुगर वगैरह हो ना, हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये बनाती किस चीज से हैं आप? ये आटा होता है, आटे को ऐसा घोल के बनाते, जैसे आप लोग डोसा लेते हैं। हाँ, अच्छा, ओके। ये जैसे देखो, ये आटे के मोमोज है, ये आटे के मोमोज, हर जगह मैदे के मिलते हैं, मैदे के मिलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सिड्डू भी है, ये हमारे पास सिड्डू है। यहाँ आपके आके आपको काफी सारे यहाँ किन्नौर के कल्चर के बारे में जानने को समझने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगा किन्नौरी स्पेशल लोकल फूड। तो भाई अगर आप इस तरफ से कहीं भी निकल रहे हो तो यार एक ब्रेक तो यहाँ पे बनता है। थैंक यू। सो गाइस अगर इधर आ रहे हो तो यार यहाँ पे विजिट करना, पक्का से रुकना, चाय वाय पीना, थोड़े लोकल फूड वगैरह एंजॉय करना यार। यार क्या व्यू आ रहा बारिश के बाद, बादलों ने तो जैसे कहर ढा दिया है, नजारे में चार चांद लगा दिया है। भैया सराहन जाने के लिए कैसे जाएंगे? यहाँ से जो 5 किलोमीटर के बाद। अच्छा, ओके, थैंक यू। सो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं सराहन, और यहाँ भीमा काली मंदिर के बिल्कुल सामने होटल सागरिका में हमने एक रूम ले लिया है। रूम में आपको कल दिखाऊंगा सारा सब कुछ। यार सराहन अपनी भीमा काली मंदिर के लिए बहुत फेमस है हिमाचल प्रदेश में, या देश के 51 शक्तिपीठों में इसका नाम आता है। तो कल मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तो गाइज बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।